मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत पर लगा कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप। आज सुबह दिनांक 14 दिसंबर 2022 को कुलदीप सिंह रावत अपने साथी छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासनिक विभाग में ई रिक्शा के संचालन किए काफी समय से लंबित कार्य की जानकारी के लिए गए थे। वहां पर SFS विभाग के कर्मचारी नागेंद्र और कुलदीप सिंह रावत के बीच काफी नोकझोंक हो गई और इस बीच कर्मचारी नागेंद्र का आरोप है कि अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने उनको थप्पड़ जड़ दिए। घटना के विरोध में प्रशासनिक भवन के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए छात्र संघ अध्यक्ष को थाने लेकर आई है और वर्तमान में अनुसंधान अधिकारी का अनुसंधान जारी है। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र अपने कुलदीप सिंह से मिलने और उनके समर्थन में प्रतापनगर थाने के बाहर एकत्रित हो गए। दबी आवाज में छात्रों का आरोप है ई रिक्शा का संचालन छात्र हित में किया जा रहा है, न कि यही रिक्शा छात्र संघ अध्यक्ष के पारिवारिक कार्यों में काम आएगा। एवं छात्रों का यह भी कहना है प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी उनके कामों को लंबित किए जाते हैं और जानबूझकर छात्रों को आवेश पर आने के लिए मजबूर करते हैं। वही कर्मचारी संघ का कहना है कि छात्र अपने ग्रुप के साथ आकर उनके साथ अनुशासनहीनता करते हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन छात्रों को समझाएं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रोफेसर IV त्रिवेदी कुलपति विश्वविद्यालय इस बारे में क्या फैसला लेते हैं और कर्मचारियों और छात्र संघ के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं।